यार मैं उन लोगों में से हूँ जो रोज रोज हरी सब्जी नहीं खा सकती, इसलिए मैंने आज दम आलू बनाया। क्या बताओ ये बहुत अच्छी बनी। तो चलो इसकी रेसिपी बताती हूँ। ऐसे आलू ले लो, उसको अच्छे से छील लो। देखो मैंने फोक से कैसे इसमें छेद कर डाला क्योंकि इसके अंदर मसाले जाएं। फिर आपको शिमला मिर्च लेना है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, मेरे पास था इसलिए मैंने लिया। टमाटर, अदरक, हरी मिर्च, अनियंस और ये आलू। तो सबसे पहले चलो आलू को अच्छे से फ्राई करो। फ्राई कैसे करोगे, थोड़ा सा मिर्च डाल दो, थोड़ा सा हल्दी, उसके बाद आपको इसको बिल्कुल भी डीप फ्राई नहीं करना है। क्यों, इसका कारण है आलू को आप जितना डीप फ्राई करोगे उसका टेस्ट उतना जाता रहेगा, ये ना लेयर्स आ जाते हैं, इसीलिए आप एक सिंगल क्रिस्पी सा लेयर बनाओ और उसके बाद देखो इसका टेस्ट। तो चलो मैंने इसका एक सिंगल सा क्रिस्पी लेयर बनाया और उसको मैंने एक बर्तन में निकाल लिया। फिर उसके बाद मैंने थोड़ा जीरा, सूखी लाल मिर्च डाला। एंड यू नो व्हाट, जब सूखी लाल मिर्च डालो ना तो वेट करना पड़ता थोड़ी देर पकने के लिए। फिर उसके बाद थोड़े से खड़े मसाले हैं तो डाल दो, क्या है जो भी हो, दालचीनी हो तो दालचीनी डाल दो या सब कुछ हो तो सब डाल देना। मेरे पास जो जो था मैंने डाल दिए। फिर मैंने लहसुन अदरक को डाला और उसे अच्छे से भून डाला क्योंकि मुझे थोड़ा अदरक लहसुन पक जाने के बाद ज़्यादा अच्छा लगता है। फिर उसके बाद मैंने हरी मिर्च डाली। और ध्यान रखना, अगर आप तीखा नहीं खाते हो तो बहुत सारी हरी मिर्च मत डालना या स्किप भी कर सकते हो। फिर मैंने शिमला मिर्च डाले क्योंकि मेरे पास शिमला मिर्च थे, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप मत डालना। फिर मैंने इसको शेलो फ्राई किया, लाइक हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा। देन क्या करती, वेट करना पड़ा क्योंकि टाइम तो लगता है भाई। फिर ये कटे हुए चॉप्ड अनियन को मैंने, देखो मैंने तो लगता है कटा भी नहीं था, फिर मैंने धीरे 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 मिक्स किया। देखो ये ना इसका कलर चेंज हो गया अनियंस का, जैसे कलर चेंज हो तो उसमें तुम टमाटर डाल दो। टमाटर डालने के बाद तुम मत पूछो यार, थोड़ी देर तो पकने के लिए देना ही होगा ना। फिर देखो मैंने यहाँ पे क्यों बोला था मिर्च नहीं खाना, क्योंकि मैंने यहाँ पर हरी मिर्च पीस की भी डाला है। उसके बाद उसके साथ मैंने अदरक लहसुन को भी पेस्ट किया है और उसके बाद थोड़ी देर भूना है, तो आपको भी है थोड़ा भूनना है। और सूखे मसाले में बिल्कुल भी ये गरम मसाला नहीं डालना, जब भी डालना तो धनिया पाउडर डालना, इससे स्वाद बहुत अच्छा आएगा। देखो मैंने भून डाला इसको, धनिया पाउडर डाला, हल्दी डाला, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, यू नो आई लाइक स्पाइसी, तो मैंने इसी को अच्छे से पका लिया। फिर देखो यार मैं तो थक गई बोलते बोलते, इसमें मैंने पानी डाला। ओके पानी डालना मत भूलना। देन आलू तो भैया थोड़ा थोड़ा ना आपने ये किया है, शेलो फ्राई किया था आपने, तो अच्छे से पकाया नहीं था, आलू तो कच्चे थे, तो इसमें डाल के थोड़ी देर भूनो और पानी डालकर इसको पकने के लिए छोड़ दो। जब ये पकने से पहले, मैंने नमक नहीं डाला है, देखो मैंने नमक नहीं डाला फिर भी मैं ढक दी आपको नमक डालना है और इसको अच्छे से पकाना है। मैं इसको पका रही थी ओ गॉड कितना देर तक मैं पकाऊं। और एक बात हमेशा याद रखना, अगर आपको अच्छी सब्जी खानी है किसी भी तरह की तो उसको पकाओ धीमे आंच पे लंबे टाइम तक। फिर मैंने इसका टेस्ट को बढ़ाने के लिए दही डाल दिया। यम्मी, दही डालने पे सब्जी का स्वाद ना बहुत टेस्टी हो जाता है। और दही एक ऐसी चीज़ है जितना पकती है उतना अच्छा कलर देती है। अभी तो ये बिल्कुल कलर नहीं दे रही है लेकिन धीरे धीरे जो है इसका कलर काफ़ी सुंदर हो जाएगा। वाओ, इसे अभी और पकना है, वेट करो, सब्र करो। देखो आ गई ना थोड़ी थोड़ी कलर, अभी देखो और आएगी। फिर उसके बाद जब धीरे धीरे पानी सूख जाएगा, इसकी कलर आने लगेगी, तो उसको तुम हल्का तेज आंच पे भूनना चालू करना। जैसे भूनने लगोगे, माय गॉड मत पूछो क्या स्मेल आती है यार, मुझे तो भूख लग गई थी उस टाइम पर, फिर भी कोई बात नहीं। फिर उसको अच्छे से आप थोड़ा 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 भून लो। जब ये भून जाए तो क्या करना है, कुछ नहीं करना और भूनना है। अरे यार अब कम से कम इसका प्रोसीजर 20 से 25 मिनट का है, इतनी आसानी से नहीं बनता ये। मैंने इसको अच्छे से भुना है ताकि अच्छा टेस्ट आए। भूनते भूनते मैंने, सच में बताऊँ तो मैं थक गई थी, क्या करती, लेकिन देखो क्या बन गया यार, ये खाने में सच बताऊँ बहुत टेस्टी था। एक बार ज़रूर बना कर खाना। और प्लीज़ अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। और देखो सबसे बड़ी बात है कि प्लेटिंग तो देखो मैंने ये प्लेट में निकाला दम आलू। वाओ।